खटीमा नगर पालिका के सभासदों ने आज नगर की सफाई कई दिनों से न होने से और जगह जगह सड़क पर लगे कूड़े के ढेर लगे होने से आज सभासद आक्रोशित हो गए और नगर पालिका अधिशासी अधिकारी धर्मानंद शर्मा के खिलाफ जोरदार धरना प्रदर्शन किया। नगर पालिका ईओ के खिलाफ जोरदार धरना प्रदर्शन करते हुए सभासदों ने कहा कि खटीमा नगर की लंबे समय से सफाई नहीं की जा रही है। कई बार बोर्ड में प्रस्ताव पारित करने के बावजूद भी नगर पालिका ईओ अपनी हठधर्मिता अपनाते हुए नगर की सफाई को नहीं करवा रहे हैं, जिससे नगर की जनता को कूड़े से हो रही परेशानी को झेलना पड़ रहा है। वहीं सभासदों ने कहा कि अगर जल्द ही नगर पालिका की सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं होती है तो सभासद अपने आंदोलन को और उग्र करने को बाध्य हो जाएंगे। वहीं नगर की सफाई न होने के संबंध में नगर पालिका ईओ धर्मानंद शर्मा हमेशा की तरह रटा रटाया जवाब बोलते हुए यही कह रहे हैं कि जल्द उनके द्वारा नगर की सफाई करा दी जाएगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, यो तेरी गंदगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, यो तेरी गंदगी। इस खटीमा शहर की गंदगी को देखकर जगह जगह कूड़े के बड़े ढेर लग चुके हैं। आप चारों रोड में चले जाओ, प्रत्येक वार्डों में चले जाओ, इस सब में जो गंदगी का अंबार बना है उसके जिम्मेदार अधिशासी अधिकारी हैं। और आज जो सभी सभासद जो धरने में बैठे हैं, आप देख रहे होंगे, सभी लोग, सभी सभासद इस नगर पालिका यो के अधिशासी अधिकारी के जिम्मेदार बताते हुए उनके खिलाफ आज धरने पर प्रदर्शन कर रहे हैं और आगे भी धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। अगर कूड़े के ढेर आज शाम तक नहीं उठते हैं तो पूरी तरीके से प्रत्येक दिन धरने पर सभी सभासद बैठेंगे और आगे चलकर देखेंगे, हम भूख हड़ताल करना पड़े भूख हड़ताल भी करेंगे। बाट में ये मामला है, सभी अधिशासी अधिकारी कमी है, जो अधिशासी अधिकारी नगर पालिका चला रहे हैं वो कैसे चला रहे हैं। यहाँ पे जितने सभासद महोदय बैठे हैं सभी बहुत ज़्यादा त्रस्त हैं और बाढ़ में महीने में 15 दिन काम होता है, 15 दिन के बाद 15 दिन काम होता है, हाजिरी पूरे दिन की, दस्तखत पूरे दिन के चाहिए और लिखा है उसमें लेटर में काम संतोषजनक हुआ है। हमने कहा जितने दिन हाजिरी लगी, जितने दिन काम किया उतने की आप हमसे दस्तखत करा के ले जाओ। यहाँ पे स्थिति इतनी खराब है, कल गए उन्होंने कह दिया कि हम काम करने नहीं आएंगे, जो लोग साइन नहीं करेंगे उनके यहाँ काम करने के आगे। मतलब खटीमा राज आंदोलन की पावन भूमि है और यहाँ पर पिछले समय में जो सफाई की व्यवस्था जो दुरुस्त थी और एक सफाई व्यवस्था के नाम पर खटीमा शहर पहचाना जाता था, लेकिन जब से खटीमा में जो अधिशासी अधिकारी शहर को लगातार गंदगी के ढेर में छोड़ा जा रहा है। आप देखिए खटीमा के चारों रोडों पर निकल जाइए, उन रोडों का हाल देखिए, रोडों के पास में चार चार पाँच छः छः फुट ऊँचे गंदगी के और कूड़े के ढेर बन चुके हैं। हमारे बोर्ड के द्वारा काफ़ी समय से उन लोगों को ढेर को हटाने का प्रयास किया गया, लेकिन ये अधिशासी अधिकारी जो हमारे महोदय बोर्ड के भी प्रस्ताव को नहीं मानते हैं, किसी पर कोई आरोप नहीं मानते हैं, तो हम प्रयास कर रहे हैं कूड़े के लिए। मैं अभी सुबह 6 बजे से वही कूड़ा के जगह और रात और जल के आप लोगों ने मेरे कपड़े भी देखे थे, ये है कि जी 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 हाँ, मैं हर बार प्रयासों में असफल हो रहा हूँ और भगवान कर दे मुझे सफल करे और खटी माता जो है सफाई व्यवस्था ठीक। देखिए हमारे प्रयास रहते हैं कि आज हम जो है इसमें शहर का पूरा हटवा दें।